प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक स्पेशल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की दो बेटियों को। एक तरफ आप देखेंगे नुपुर तिवारी जी को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी याना मीर जी, जो कि एक जबरदस्त कश्मीरी पत्रकार हैं, और ये दोनों ना सिर्फ बात करेंगी भारत और पाकिस्तान पर, बल्कि याना मीर आपको ये भी कारण बताएंगी कि क्यों मुंबई की जबरदस्त लाइफ को छोड़ के वो कश्मीर आई और सोशल एक्टिविस्ट बन गई। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। किसी गवर्नमेंट के रूल में ये पूरा अनाउंस किया गया था कि आप अगर बुर्का नहीं पहनोगे तो आपको एसिड दे दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ हुआ था तो ऐसे देखिए, ऐसे एक्सट्रीमिस्ट बहुत थे ना कश्मीरी सोसाइटी में, कश्मीरी खुद उनसे तंग आए हुए थे इन एक्सट्रीमिस्ट से। और कश्मीरी हमेशा ये सोचते थे कि हमारी इतनी लैंड पे, हम जहां देखते हैं वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस हमें दिखते हैं, या तो सीआरपीएफ दिखता है, या तो बीएसएफ वाला दिखता है, या तो आर्मी दिखती है, फिर ये रोकते क्यों नहीं इन एक्सट्रीमिस्ट को हमारी सोसाइटी में आने से। कश्मीरी मुस्लिम जो सेम मुस्लिम्स हैं, मतलब दिमाग के ठीक है, जो इन चीजों में गलत चीजों में नहीं गए, वो तो यही सोचते थे एक हमारे कश्मीरी पंडित हो, वो यहाँ से जाने, मतलब उनको नहीं बचा सके, अब हम यहाँ रह गए, हमें नहीं बचा पा रहे, एक्सट्रीमिस्ट अंदर कैसे आ जाते हैं। तो यही की हमेशा प्रॉब्लम रही है, इट्स नॉट दैट दे आर एंटी इंडिया, बट हमारी प्रॉब्लम यही, मतलब मैं अपनी बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं कि क्या मजबूरियां हो सकती सिक्योरिटी फोर्सेस की, हर घर में जाके तो नहीं चेक कर सकते ना कोई एक्सट्रीमिस्ट छुपा है कि नहीं छुपा, या कोई पाकिस्तान से, व्हाट हैज हैपेंड इज नूपुर, पाकिस्तान से एक्सट्रीमिस्ट हैव इन्फिल्ट्रेटेड अवर सोसाइटी। सिर्फ वो बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेट करके जंग नहीं कर रहे हैं, या प्रॉक्सी वॉर नहीं कर रहे हैं, या हमारे जो जवानों को शहीद करते हैं, उतना ही नहीं है, उससे भी ज्यादा उन्होंने डेंजरस गेम ये खेला कि क्रॉस करके आ जाते हैं सोसाइटी में, रहने लगते हैं एज पार्ट ऑफ अस। अब उनके भी नाम मुसलमान है, तो दे गेट पास्ट ऑफ एज कश्मीरी, रहने लगते हमारे बीच। सैयद अली शाह गिलानी साहब की हिस्ट्री मतलब क्लियर नहीं है, इतना ही लोगों को पता है कि 1938 में लाहौर से पढ़ के आए, उससे पहले वो कहाँ थे, किसके घर पैदा हुए, उनके माँ पर किसी को कुछ पता ही नहीं, इतना बड़ा लीडर बन के बैठ गया वो कश्मीर में, और बार बार बोलता था पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान के, लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, लेकिन फिर वो सब कुछ झूठ निकला। सो दैट इज द पॉइंट कि कश्मीरी सोसाइटी भी इन्फिल्ट्रेट हो चुकी है इन एक्सट्रीमिस्ट से जो पार से आते हैं। जी तो आपको पर्सनली, आपने आपने ज्यादातर एजुकेशन आप कश्मीर से मुंबई में किए हैं और वहां पे रहे भी है, तो आपके पेरेंट्स ने आपको छोड़ दिया कि कश्मीर, जबकि तब 370 था और इतना इतना पीसफुल नहीं था, तो आपको घर से रोका नहीं गया वहां जाने और काम करने के लिए? कहाँ जाने के लिए, मुंबई? कश्मीर की बात कर रही हूँ। कश्मीर में काम करने के लिए रोका गया, बहुत ज्यादा रोका गया, बहुत ज्यादा बोला गया कि हमने आपको अच्छी लाइफ देने की कोशिश की है, आपको क्या जरूरत है वहां फिर से जाने की। लेकिन आई थॉट कि इट इज टाइम कि अपने स्टेट के लिए भी कुछ करना है, हम सिर्फ अपने लिए नहीं जी सकते, वी हैव टू थिंक अबाउट आवर पीपल। और मुझे पता है कि वहां पे लोग कंफ्यूज भी थे, डरे हुए भी थे जब 370 हटा था, मुझे पूरा भरोसा था कि हमारे अच्छे के लिए हुआ, लेकिन वहां लोगों को नहीं पता था। वहां अभी तक पहले बात तो बुरहान, जैसे उन्होंने गलती से सैयद अली शाह गिलानी को अपना हीरो समझ लिया था, बाद में उन्हें पता चला कि ये तो चीट निकला, ठीक है ना, एक तो उसी तरह बुरहान वानी के साथ यही हुआ, उनको उसको अपना हीरो समझ बैठे थे, एक तो उसके मरने का गम उनको लग रहा था, ऊपर से 370 हटने का गम उनको लग रहा था, तो वो इस सिचुएशन में थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब बहुत ज्यादा डिप्रेशन बढ़ गया था सोसाइटी में, बहुत सारी ऐसी चीजें बढ़ गई। आई थॉट इट्स टाइम कि कॉम के लिए कुछ करना पड़ेगा, वरना मुझे ऐसे लग रहा था कि एक्सटिंक्ट हो जाएगी मेरी कॉम, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, क्योंकि या तो ये डिप्रेशन से मर रहे हैं या ड्रग्स लेके मर रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ श्योरिटी नहीं थी, कि अश्योरेंस ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, या तो ड्रग्स से, या तो डिप्रेशन से, या तो ये पत्थर उठाने चले थे, ISI को हेल्प करने चले थे और उसकी वजह से इंडियन आर्मी की गोली से मर रहे थे, या ऐसे करके कहीं ना, या अगर कुछ ना भी करें बेचारे, अगर रोड भी क्रॉस करके जा रहे हैं, वहां पे क्रॉस फायरिंग अगर हो गई, मिलिटेंट्स और आर्मी के बीच में ऑपरेशन शुरू हो गया, वहां पे गोली लग के मर रहे हैं, कैसे ना कैसे मर ही रहे हैं। और अब मैं आपको बता दूं, कश्मीर में ऐसे बहुत टाउन्स हैं, जैसे कुलगाम में रेडवानी, ऐसे बहुत टाउन्स हैं जहां पे आपको लोग ही नहीं दिखेंगे, क्योंकि खत्म हो गई वहां नस्लें, खत्म हो गई है इसी इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से,
मैंने सोचा अगर मैं वहां नहीं जाऊंगी, आई कांट जस्ट लेट माई पीपल जस्ट डाई एंड बिकम एक्सटिंक्ट। कश्मीरी पंडित तो बेचारे पहले ही निकल गए थे, अब कश्मीरी मुस्लिम भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो वो जगह किसके लिए बचेगी? वहां सिर्फ पहाड़ बचेंगे और कुछ नहीं। तो सो आपको लगता है कि समथिंग कश्मीरी एक्साइटिंग, पंडित वापस आएंगे? आपको क्या लगता आना है? चाहिए और आने लगे हैं, जहां तक मुझे पता है आने लगे हैं वापस। मैंने कई कश्मीरी पंडित का वो लोग इंटरव्यू किया सेफ, एंड देयर सेइंग फिर से सेफ अपने आप को फील करने बिल्कुल लगे हैं सेफ, या? बिल्कुल सेफ है, क्योंकि वहां रहने वाले कश्मीरी मुस्लिम सारे दिल से इंडियन है। तो जितने सेफ वो जम्मू में है या दिल्ली में, उतने ही सेफ अब कश्मीर में है। तो फिर आपके हिसाब से मतलब वो आने लगे हैं ना, दे कमिंग बैक होम? यस, स्लोली स्लोली दे आर कमिंग बैक एंड पीएम पैकेज के द्वारा उनको जॉब्स दिलाएगी। हाँ, अभी भी अटैक्स होते हैं उनपे, इनफ्रीक्वेंट है, पहले से कंपेयर करो तो बहुत ही इनफ्रीक्वेंट है, बिकॉज पब्लिक इज नॉट सपोर्टिंग दीज अटैक्स। तो ये अटैक्स इनफ्रीक्वेंट हो गई है, बहुत बहुत कम हो गई, लेकिन होती है। ऑल ऑफ अ सडन खबर आती है कि किसी बेचारे कश्मीरी पंडित को उसकी दुकान में मार दिया या उसके गार्डन में मार दिया किसी ने पीछे से आके, फिर वो पकड़ा भी जाता है, फिर वो मारा भी जाता है पुलिस की गोली से। लेकिन कश्मीरी पंडित इन चीजों की वजह से डरते हैं आने से, तो वो क्या कर रहे हैं, वो साइलेंटली आ रहे हैं, चुपचाप आ रहे हैं। जो उनकी जमीन वो छोड़ गए थे वहां पे रहने लगे हैं, चुपचाप से बिजनेस या दुकानें खोलने लगे हैं। दे आर कमिंग, दे आर रिसेंटली। अब ये चुपचाप से लाउड होना, इसके लिए शायद थोड़ा टाइम लगे, बिकॉज नोबडी ट्रस्ट एनीवन। तो वो ट्रस्ट इश्यूज हैं सबके बीच में वहां पे सोसाइटी में, कौन किसके लिए काम करता है, कौन क्या है, ये शायद हमें मरवा देगा जमीन के लिए, वो शायद हमें मरवा देगा जमीन के लिए या जॉब के लिए। ये चीजें, ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है, ये जैसे ही खत्म हो जाएगी कुछ सालों में, मुझे लगता है इट विल बी एन ओपन सोसाइटी। आई डोंट थिंक कि वहां पे अब कोई प्रॉब्लम है। जी अच्छा, कश्मीर स्पेशली, यू नो, कश्मीर में मैं बहुत बार जा चुकी हूँ। कश्मीर इज वेरी रिच स्टेट। रिच मतलब वहां पे मैंने बाकी स्टेट में आप गरीबी देख सकते हो, कश्मीर में गरीबी बहुत कम है, नहीं है मैं बोलूंगी, क्योंकि जितना मैं देख चुकी हूँ कश्मीर को, तो मतलब कश्मीर तो पूरे देश को एक ये दे सकते हैं कि द कश्मीर आज से नहीं, हजारों साल से द रिच, नॉट ओनली यू नो इन ऑर्डर टू मनी, इट इज द कल्चर एंड एवरीथिंग। वहां पे क्या नहीं है, द लैंड ऑफ देर इज वन गेटाज आई वुड रीजन फॉर से। दैट नुपुर, हाँ देर इज वन रीजन फॉर दैट कि वी डोंट हैव अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन आर स्टेट, जस्ट वन थिंग। मुझे लगता है कि रिसोर्सेज डिप्लीट हो रही है इंडिया में, नाउ दैट्स अनदर टॉपिक ऑल ऑल टुगेदर, बट इट्स बिकॉज ऑफ अ ह्यूज पॉपुलेशन। हाँ, एक तरह से पॉपुलेशन से कि हमारा एक फोर्स भी स्ट्रांग होता है, इंडियंस का फोर्स पूरी दुनिया में स्ट्रांग हो रहा है। वी आर द बिगेस्ट, यू नो, हम कंज्यूमर मार्केट के हिसाब से वी आर आइड बाय ऑल द कंट्रीज। हर एक जो कंट्री, हर एक देश को हमारे साथ बना के रखना है, बिकॉज इंडियंस आर नॉट ओनली प्रोग्रेसिंग इकोनॉमिकली बट ऑल्सो इन नंबर्स। तो बहुत सारी चीजें जो पॉजिटिव हो रही है बिकॉज ऑफ आर बिग पॉपुलेशन, लेकिन बहुत सारी चीजें नेगेटिव भी हो रही है, जैसे डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस। तो ये एक चीज है कि बिकॉज कश्मीर में पॉपुलेशन कम होने की वजह से, दैट इज वन रीजन। कश्मीर में अनदर थिंग इज पॉपुलेशन नेचुरल और एक रिसोर्स। बात की कमी है, क्योंकि इंडिया में तो आप लाइक कश्मीरी कुड हैव कम टू इंडिया, मेनलैंड में आ सकते, लेकिन हम लोग तो जाके नहीं रह सकते थे ना, दैट वाज 370 से पहले। वो भी एक रीजन है, वो भी एक रीजन है, लेकिन मैं आपको बता दूं नुपुर, हर एक जगह इंडिया में जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन मानी जाती है, वहां पर आर्टिकल 371 जैसे कुछ आर्टिकल्स हैं जो वहां की लैंड प्रोटेक्शन राइट्स देती हैं वहां के नेटिव्स को, कि वहां की लैंड सिर्फ नेटिव्स के लिए रहे और ये सब ना। तो ये जैसे नागालैंड में भी है, गोवा में भी है, तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ गलत है कि नेटिव्स को लैंड पे फर्स्ट अधिकार होना चाहिए। लेकिन गलत इसमें है कि जस्ट बिकॉज कोई नॉन नेटिव वहां आ गया, गोवा में आप नहीं देखोगे कि कोई नॉन नेटिव आ गया और किसी गोवन के साथ पार्टनरशिप करके अगर बिजनेस कर रहा है तो उसको वहां पे मारा जाता है, अनलेस एंड अंटिल वो कोई ड्रग्स वग्स में मुलविस मुबतला हो, कोई ड्रग गैंग के साथ उसकी दुश्मनी है, वो अलग चीज है। बट आई एम सेइंग कि गोवा में किसी नॉन लोकल लेबरर को मारा नहीं जाता। तो ये चीज है कि कश्मीर में ये रुकना चाहिए, जस्ट बिकॉज कोई बाहर से आता है काम करने के लिए आता है या पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा है, तो उसको खत्म कर देना, ये कैसे यहाँ सेटल हो सकता है, ये हमारी लैंड है, ये वाला जो माइंड सेट है ना ये। बट ज्यादातर अगेन मैं बोलू, ये पाकिस्तानी टाइप माइंड सेट ये उन्ही लोगों का है जो एक टाइम पे JKLF या सैयद अली शाह साहब के फॉलोअर्स थे, जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनका माइंडसेट रखते हैं, ये उनका दिमाग है कि दे आर द वंस टारगेटिंग कोई भी अगर बाहर से आता है। ये रेगुलर जो कश्मीरी है
वो इस तरह से नहीं सोचता, क्योंकि हर कश्मीरी को पता है भाई हम बाहर जाके पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो जाहिर बात है ये भी यहाँ आ सकते हैं, दैट इज अ फैक्ट। बट ये चीज जो है ना, फिल्टरिंग की जरूरत है हमारी सोसाइटी को, कश्मीरी सोसाइटी को, कि भाई फिल्टर करके निकालो ऐसे लोगों को जो सोसाइटी को, सोसाइटी में इन्फिल्ट्रेट होकर आए। ट्रू, जी वेरी ट्रू यार। ना बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमारे जो दर्शक है उसको भी बहुत कुछ सुनने को मिला इन द ट्रूथ, स्पेशली जब कश्मीर से कोई बोले तो उनको, हम लोग बहुत कुछ कम जाना जानते हैं उसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे वजह है उसके, लेकिन कश्मीर की, अगर कश्मीरी के मुंह से सुने तो पीपल विल बी मोर कन्विंस्ड। तो डेफिनेटली बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शक लोगों को इतना नॉलेज देने के लिए अबाउट कश्मीर, एंड आई वुड लव टू हैव यू अगेन एंड अगेन, क्योंकि आपके आपके द्वारा हम कश्मीर को और भी अच्छी तरह से दुनिया में फैलाना चाहेंगे। Sure, thank you so much for having me on your show once again. थैंक यू सो मच, नमस्ते, एंड इन जापानीज हम लोग बोलते हैं Thank अरिगातो गोजाइमास, you. सो मतलब धन्यवाद होते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और याना मीर जी का धमाकेदार इंटरव्यू और उनकी बेबाक बातें आपको काफी पसंद आई होंगी और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे याना मीर जी ने ना सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की बल्कि कश्मीर की भी ग्राउंड रियलिटी आपको बताई और ये भी कहा कि कश्मीर हिंदुओं को वापस कश्मीर आना चाहिए। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी चैनल पर डाल चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप प्लीज जाके उसको भी देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। पर एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।